दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तुम्हारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 का 22वां शानदार मुकाबला देखने को मिला, जिसमें बेंगलुरु और चेन्नई की टीम आमने सामने खेलती हुई दिखाई दी और इस मुकाबले में चेन्नई की टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के कारण इस मुकाबले को जीत लिया, जिसके बाद भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया। चलिए दोस्तों आपको हम इस वीडियो में भारतीय दिग्गजों के बयान के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2022 के 22वें मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया, जिसमें चेन्नई की शुरुआत बहुत ही ज्यादा बेकार हुई और शुरुआती दो विकेट जल्दी गिर गए, लेकिन उसके बाद शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा ने इस तरीके की बल्लेबाजी करी जिसे देखकर सभी हैरान रह गए और दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 165 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी करी और टीम को एक बेहतर स्थिति तक ले गए, जिसमें रॉबिन उथप्पा ने 50 गेंदों पर 4 चौके और 9 छक्कों की मदद से 88 रन, तो दूसरी तरफ शिवम दुबे ने 46 गेंदों पर 5 चौके और 8 छक्कों की मदद से 95 रन की पारी खेली, जिसकी बदौलत चेन्नई की टीम 216 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना पाई, जिसमें वनिंदु हसरंगा ने 2 और जोश हेजलवुड ने 1 विकेट हासिल किया और 217 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब बेंगलुरु की टीम उतरी तो बेंगलुरु के शुरुआती 4 विकेट 50 रन पर गिर गए, जिसके बाद प्रभु देसाई और शहबाज अहमद ने अर्धशतक की साझेदारी करी, लेकिन प्रभु देसाई की शानदार 34 रन और शहबाज अहमद की 41 रन की पारी के बाद दिनेश कार्तिक ने शानदार 34 रन की पारी खेली, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए और बेंगलुरु की टीम 20 ओवर में 193 रन 9 विकेट पर बना पाई और 23 रन से हार गई, और जिसमें महेश ने 4, जडेजा ने 3, ब्रावो और मुकेश ने 1-1 विकेट हासिल किया। जिसके बाद भारतीय दिग्गजों का बयान सामने आया, जिसमें कपिल देव ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई की तरफ से बैकअप कप्तान के रूप में इस साल भूमिका निभाई है और उन्होंने इस साल बहुत ही शानदार तरीके से कप्तानी करते हुए टीम को अलग मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करी थी, लेकिन शुरुआती 4 मुकाबलों में ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन 5वें मुकाबले में बहुत ही शानदार खतरनाक कप्तानी चेन्नई की तरफ से देखने को मिली है और ये महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ चेन्नई के लिए एक राहत भरी गहरी सांस है और वो वाला पल आ गया कि हाँ अब चेन्नई आगे का अपना प्लान कर सकती है और अपनी भविष्य को इस आईपीएल में बना सकती है। और इसके अलावा दीप दास गुप्ता ने कहा है कि चेन्नई की टीम के लिए पहली जीत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मुकाबले में सभी तरीके से चेन्नई को एक बेहतर मजबूती प्रदान हुई है, जैसे गेंदबाजी में बेहतर गेंदबाजी यानी अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण देखने को मिला और वहीं बल्लेबाजी में भी युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला और आपको बता दें कि जिसके कारण चेन्नई बहुत ही मजबूती से गेंदबाजी और बल्लेबाजी कर सके, लेकिन कप्तानी में भी महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में रविंद्र जडेजा ने कप्तानी करते हुए बिना किसी डर के टीम को जीत दिलाने का काम किया, लेकिन इसमें महेंद्र सिंह धोनी की महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दी। तो वहीं सुनील गावस्कर ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं और चेन्नई की तरफ से उनकी कप्तानी दिखाई नहीं देती क्योंकि उन्होंने कप्तानी छोड़ दी थी, परंतु रविंद्र जडेजा को धोनी की जगह कप्तान तो बना दिया गया, लेकिन रविंद्र जडेजा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी उनको लीड करते हुए दिखाई देंगे और इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा को बीच बीच में राय देते हुए महेंद्र सिंह धोनी दिखाई दिए और टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और खतरनाक फैसले लिए महेंद्र सिंह धोनी ने और टीम को पहली जीत दिला दी। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी को दोबारा से चेन्नई का कप्तान बना देना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।